हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। अब गाइस, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि ओमनीट्रिक्स ने कई बार वे इनको बचाया है, लेकिन ऐसी कई सारी सिचुएशंस भी है जिसमें ओमनीट्रिक्स ने लगभग वे इनको मार ही दिया था। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसी ही कुछ सिचुएशंस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें ओमनीट्रिक्स ने लगभग वे इनको मार ही दिया था। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट कर लेते हैं। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आती है डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस पीरियड। अब देखो, तुम्हें पता ही होगा कि डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी कैसी थी। डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी में होता यह है कि जो ओमनीट्रिक्स को इनकी मैना पावर के चलते ख़राब हो जाती है, और जो ओमनीट्रिक्स है वो आजमत को ईविल वेग में ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब यहाँ पर ओमनीट्रिक्स इतने में ही नहीं रुकते है, मूवी के एंड आते आते यहाँ पर जो ओमनीट्रिक्स है वो कई सारे लोगों को भी यहाँ पर एलियंस में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती है। जैसे कि जो बेन के पेरेंट्स थे उन्हें भी यहाँ पर ओमनीट्रिक्स एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर देती है। और इस मूवी के एंडिंग में बेन, ग्वेन, टेट्रैक्स और आजमत के फादर ओमनीट्रिक्स में फंस जाते हैं, जहाँ पर जो ओमनीट्रिक्स है वो कभी भी बेन को मार सकती थी। यहाँ पर होता ये है कि जो ओमनीट्रिक्स के एलियंस है, ओमनीट्रिक्स उन्हें आर्टिफिशियली क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है, और यहाँ पर ईविल वेबिक भी बेन के ऊपर अटैक करता है। इस मूवी में बेन कभी भी मर सकता था, और इस मूवी में ओमनीट्रिक्स का सेफ्टी फीचर भी मुझे नहीं लगता है कि बेन को बचा सकता था, क्योंकि जब बेन ओमनीट्रिक्स के अंदर था तब बेन के पास ओमनीट्रिक्स भी नहीं थी, तो यहाँ पर बेन जो है वो इस मूवी में मर सकता था। अब इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है बेंजेन 10 का पीरियड। अब जैसा कि तुम्हें पता होगा कि इस मूवी में होता ये है कि जो जनरेटर रेक्स है वो ओमनीट्रिक्स को ख़राब कर देता है अपनी पावर की हेल्प से, और जो ओमनीट्रिक्स है वो हर किसी को एलियंस में ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पर कई सारे लोग कहेंगे कि इसमें ओमनीट्रिक्स के चलते बेन कैसे मरता है, यहाँ पर तो हेक्स ने सब पर कंट्रोल किया था और यहाँ पर जनरेटर रेक्स के चलते ओमनीट्रिक्स ख़राब हुई थी। देन यार, यहाँ पर जो है वो ओमनीट्रिक्स भले ही किसी के भी चलते ख़राब क्यों ना हुई हो, लेकिन यहाँ पर ओमनीट्रिक्स के चलते जो बेन है वो यहाँ पर मर भी सकता था। अब अगर हम लोग देखें तो जो ओमनीट्रिक्स का सेफ्टी फीचर है वो भी यहाँ पर बेन को नहीं बचाता। अगर हम लोग देखें तो जो ओमनीट्रिक्स है वो इस समय इतनी ज़्यादा ग्लिच में थी कि ओमनीट्रिक्स जो है वो ढंग से बेन को एलियंस में भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर जो ओमनीट्रिक्स का सेफ्टी फीचर है वो भी बेन को नहीं बचा पाता, क्योंकि जो ओमनीट्रिक्स है वो पहले ही ग्लिच में थी। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हेक्स जो है वो लोगों पर अपना कंट्रोल नहीं करता, तभी भी यहाँ पर जो लोग है वो बेन के पीछे पड़ जाते, और इसी समय का फ़ायदा उठाकर एजेंट 6 जो है वो यहाँ पर पूरी जगह को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देता और बेन भी यहाँ पर मर जाता। अब इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है आउटब्रेक एपिसोड। अब अगर तुमने ये एपिसोड देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि इस एपिसोड में होता क्या है। जो डॉक्टर साइकोबॉस है वो इस एपिसोड में ओमनीट्रिक्स में कुछ ग्लिच डाल देते हैं, जिसके चलते जो ओमनीट्रिक्स है वो किसी को भी एलियन में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती है, और यहाँ पर जो ओमनीट्रिक्स है उन्हें ये दो महान लोग ठीक कर रहे थे। अब अगर हम लोग देखें तो जो ओमनीट्रिक्स है वो यहाँ पर विलन्स को भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियंस में ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, और यहाँ पर विलन्स के पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है, और यहाँ पर जो रुक है वो एक ग्राउंड मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और बेन जो है वो यहाँ पर कई सारे वीक एलियंस में भी ट्रांसफॉर्म हो रहा था, और इस समय में ये जो विलन्स है ये बेन को कभी भी मार सकते थे। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो ओमनीट्रिक्स का सेफ्टी फीचर है मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये भी वर्क कर पाता, क्योंकि ओमनीट्रिक्स पहले ही ग्लिच में थी, तो यहाँ पर भी ओमनीट्रिक्स का सेफ्टी फीचर मुझे नहीं लगता है कि वर्क कर पाता। लेकिन आखिर में ये दो जीनियस इस ओमनीट्रिक्स को ठीक कर ही रहते हैं। अब इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स पीरियड। अब देखो, इस मूवी में होता ये है कि जो ओमनीट्रिक्स है वो सेब्जिस्टिक मोड पर चली जाती है। डॉक्टर एनिमियो और बेन की फाइट के बीच में जो ओमनीट्रिक्स है वो सेब्जिस्टिक मोड पर चली जाती है, और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो ओमनीट्रिक्स है वो अगर सेब्जिस्टिक मोड में ब्लास्ट होती है तो वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकती है, और इस समय बेन के हाथ में एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब था, और जो ओमनीट्रिक्स है वो कभी भी फट सकती थी, इसीलिए यहाँ पर जो बेन है वो कभी मर सकता था, और अकेला बेन ही नहीं पूरा का पूरा यूनिवर्स यहाँ पर तबाह हो जाता। लेकिन आखिर में जो आजमत है वह यहाँ पर जो ओमनीट्रिक्स का सेब्जिस्टिक मोड है उसे किसी तरीके से ऑफ कर देते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आजमत अगर ओमनीट्रिक्स का सेब्जिस्टिक मोड ऑफ नहीं करते देन यार बेन यहाँ पर डेफिनेटली मर जाता। अब इस इसमें नंबर 1 पर आता है अल्टीमेट सैक्रिफाइस एपिसोड। अब अगर तुमने ये एपिसोड देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि इस एपिसोड में होता क्या है। इस एपिसोड में जो अल्टीमेट ट्रिक्स है वो ऑलमोस्ट बेन को मार ही देती है। अब इस एपिसोड में जो अल्टीमेट एलियंस है वो बेन को अल्टीमेट ट्रिक्स के अंदर ले लेते हैं, और बेन को एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस करने के लिए कहते हैं, ताकि जो अल्टीमेट एलियंस है वो अल्टीमेट ट्रिक्स से बाहर निकल पाए। और यहाँ पर बेन जो है वो अपनी काइंडनेस दिखाता है, और जो बेन है वो यहाँ पर सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार भी हो जाता है, और बेन जो है वो अपना सैक्रिफाइस दे भी देता है। लेकिन आखिर में आजमत बेन को किसी तरीके से बचा लेते हैं।
अब अगर हम लोग देखें तो जो अल्टीमेट ट्रिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और इस एपिसोड के बाद तो बेन ने अल्टीमेट एलियंस का यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया था। अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही, एंड देन वीडियो किसी लगी कमेंट में बताना। आज की इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1.5 के लाइक का, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।